कुचू चार्ल्स को आप देख सकते हो ऐसे उसकी बाहें पकड़ के फेंक रहे उसको। भैया ये तुम क्या कह रहे हो, चूचू चार्ल्स इस बार भी जीतेगा। ग्रेसियास दोस्तों, आज हम एक ऐसी गेम खेलने जा रहे हैं जो शायद आप में से बहुत लोगों को पसंद होगी, और वो है एनिमल वर्ल्ड बैटल सिमुलेटर ARBS। और आज यहाँ पे टोटल 6 राउंड होने वाले हैं, जिसमें से पहले 5 राउंड कॉमन होंगे और 6 राउंड होगा एक बॉस फाइट। लेकिन उसके लिए चू चू चार्ल्स को पहले के 5 राउंड्स में अपने कॉम्पिटिटर्स को एक तगड़ी मुंह तोड़ फाइट देनी होगी। लेकिन जैसे जैसे आगे आगे राउंड्स बढ़ते जाएंगे, कॉम्पिटिटर और भी मुश्किल आने वाला है। वेल, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, चलिए अब हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, ये बिल्कुल पहली फाइट है और आप देख सकते हो हमारे सामने है चू चू चार्ल्स और उसके ओपोनेंट्स हैं लिलीपुटियंस या फिर गुलीवर्स। गुलीवर्स तो खैर मैं नहीं कहूंगा, ये एक तरह के ग्रीक सोल्जर्स हैं, स्पार्टन्स भी कह सकते हैं। ये नंबर्स में काफी ज्यादा हैं और दो तो काफी जैंट लिलीपुटियंस हैं, पर चू चू चार्ल्स अकेला काफी है सबको मारने के लिए। वेरी गुड, मुझे पता नहीं, मैं इतनी जल्दी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, पर मुझे लगता है ये फेयर फाइट है, वन साइडेड नहीं है। ऑलराइट, आप किसके साइड हो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, चू चू चार्ल्स या फिर वो लिलीपुटियंस ग्रीक सोल्जर्स। और अब मैं ये फाइट शुरू कर रहा हूँ। Battle has begun. Fight! मैंने ये फाइट शुरू कर दी है। भैया मैं ना चूचू चार्ल्स के साथ हूँ, आप देख सकते हो ये सबको हवा में उड़ा उड़ा के फेंक रहा है। मैं ये लिलीपुटियंस ग्रीक सोल्जर्स के साथ हूँ, इनके नंबर्स बहुत ज्यादा है और ये एक ही बार में ना इस चूचू चार्ल्स को बड़े ही आराम से मार सकते हैं। ओके जैक, मैं भी चूचू चार्ल्स के साथ हूँ। चूचू चार्ल्स तो ओके के साइड है ना, चलो कोई बात नहीं। वेल, मुझे लगता है ये वाला कॉम्पिटिशन आई थिंक चू चू चार्ल्स ही जीतेगा। लिलीपुटियंस भी काफी अच्छी फाइट दे रही हैं, लेकिन चू चू चार्ल्स ने उनको अपने नाखूनों के नीचे के ना दबोच मारा अच्छे से। वो दो जैंट लिलीपुटियंस कहाँ पे, हाँ वो रहे, बाप रे कितना खून 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 कर रखा है इनके हथौड़े से, ये अच्छे से मार रहे हैं। मैंने अभी तक हेल्थ मीटर ऑन नहीं किया, इसलिए मुझे पता चल ही रहा है कौन कितना पानी में। भैया मैं कह रहा हूँ ना चूचू चार्ल्स ही जीतेगा, आप मेरी बात मान लो। ओए मुन्ना, चूचू चार्ल्स नहीं, ये लिलीपुटियंस जीतेंगे, तो मेरी बात मान ले। अरे हाँ जैक और ओकी, मुझे लगता है लिलीपुटियंस जीत सकते हैं, वो काफी अच्छी फेयर फाइट दे रहे हैं। पर चू चू चार्ल्स की आई थिंक कोई हेल्थ अभी तक इतनी कम नहीं हुई है, और ये दो वाह क्या बहादुर है, मतलब ये तो डर भी नहीं रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आई थिंक बहुत सारे लिलीपुटियंस मारे जा चुके हैं और अब लगता है मुझे चू चू चार्ल्स ही जीतेगा। मैंने कहा था ना चूचू चार्ल्स जीतेगा, और आप देख सकते हो कितने सारे मासूम लिलीपुटियंस मारे जा चुके हैं। अरे वो कोई मासूम नहीं है, वो भी काफी अच्छी तगड़ी फाइट दे रहे हैं। ऑलराइट, अभी आई थिंक एक ही बचा है। ओए मुन्ना, ये वो गलत हुआ, मैं लिलीपुटियंस के साथ था, इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे यार ओके जैक, होता है कभी कभी। पहली फाइट चू चू चार्ल्स ने जीत ली है और काफी खून खराबा, मतलब ब्लड शेड, अच्छी फाइट, अच्छी जंग लड़ी, काफी बढ़िया। ऑल राइट, चू चू चार्ल्स जीत चुका है, लेकिन अब उसके सामने कॉम्पिटिटर है, आप देख सकते हो कॉन्ग्स द गोरिल्लास। मैंने पहले ही कहा था जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे कॉम्पिटिटर्स ओपोनेंट्स और भी डिफिकल्ट आएंगे, और अब मुझे लगता है यहाँ पे चू चू चार्ल्स हारेगा। Oh, no. चलो कोई बात नहीं, ये मैच शुरू करते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। What happened now? Fight! मैंने फाइट शुरू कर दी है और अब मुझे लगता है यहाँ पे चू चू चार्ल्स हारेगा। भले ये 4 हैं, लेकिन ये काफी बड़े तेज कॉम्पिटिटर हैं, और ये चू चू चार्ल्स को आप देख सकते हो ऐसे उसकी बाहें पकड़ के फेंक रहे उसको। हे भैया ये तुम क्या कह रहे हो, चू
चू चार्ज इस बार भी जीतेगा, वो इन सबको हरा के ही रहेगा। ओए मुन्ना बिल्कुल चुप रहे, अभी देखता है सारे के सारे कॉग्स गोरिल्लास पकड़ के चू चू चार्ज को तोड़ के रख देंगे। और देख ले इन्होंने हवा में उछाल के रख दिया चू चू चार्ज को। अरे हाँ जैक तेरी बात तो सही है, लेकिन मैं अभी भी चू चू चार्ल्स के साइड पर ही हूँ। अच्छा मैंने अभी तक हेल्थ मीटर ऑन कर दिया है। नहीं, चू चू चार्ल्स की हेल्थ काफी कम हो चुकी है और इन्होंने बड़े ही बेरहमी से मसल के तोड़ के रख दिया है। कुछ ही देर में ये फाइट खत्म हो जाएगी। भैया ये कैसे हो सकता है? चूचू चार्ल्स टूट गया, मर गया भैया। ओए मुन्ना मैंने कहा था ना कि इस बार चूचू चार्ल्स नहीं जीत पाएगा। अरे हाँ तुम दोनों की बात सही है, और ये कितना खुश है घमंड में, नॉट इवन एक सिंगल क्या बोलते हैं गोरिल्ला मर नहीं पाया। ऑल राइट अब ये चूचू चार्ल्स को रिप्लेस करेगा। हैं? ये बेबी चूचू चार्ल्स, इसकी साइज तो बहुत छोटी है, मुझे लगता नहीं है ये वाली मैच ये जीत पाएगा। ए बिल्कुल वन साइडेड मैच है, वो कॉन्ग्स गोरिल्लास इतने बड़े चूचू चार्ल्स को हरा के आराम से रख दिया, और ये तो कितना छोटा है इसके सामने। वेल दोस्तों मुझे पक्का पता है इस बार कॉन्ग्स गोरिल्लास ही जीतने वाले हैं, पर फिर भी मैं फाइट ये रख रहा हूँ। मैंने ये फाइट शुरू कर दी है और मुझे पक्का पता है इस बार कॉन्ग्स गोरिल्लास ही जीतेंगे। ये छोटे से नन्हे से चूचू चार्ल्स को खिलौने की तरह उड़ा के फेंकेंगे। भैया आप प्लीज ऑप्टिमिस्टिक होके बातें करो, ये चूचू चार्ल्स पक्का ही सबको मार डालेगा। अरे हाँ ओकी तेरी बात तो सही है, आई थिंक एक को मार ही दिया है, नहीं मारा नहीं पर उसको उठा के फेंक दिया है। वेल मैं गलत निकला, ये चूचू चार्ल्स भले ही छोटा है पर इन सबको अच्छे से मसल रहा है, मतलब कोई बात नहीं। ओए मुन्ना तू क्या मजाक कर रहा है, ये कॉग गोरिल्ला क्या डरते हैं छोटे से चूचू चार्ल्स को, ये अपनी उंगलियों के नीचे मसल के रख सकते हैं इसे। अरे हाँ काफी अच्छी फेयर फाइट चल रही है और गोरिल्ला को मार दिया है, तीन नहीं एक अभी भी बचा है। नहीं, काफी फेयर फाइट है और मुझे लगता है कि इस बार चूचू चार्ल्स जीतेगा। नहीं यस, ये कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है इतने से छोटे चूचू चार्ल्स ने इतने बड़े बड़े कॉन्ग्स को धूल चटा दी, मतलब चलो कोई बात नहीं बहुत ही बढ़िया खेला, पर अब कॉम्पिटिटर थोड़ा मुश्किल आएगा। और अब चूचू चार्ल्स का कॉम्पिटिटर कौन है, कौन इसको तगड़ी फाइट देने वाला है, वो जो भी है इस बार पक्का इस बेबी चूचू चार्ल्स को हरा देगा। वेल मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, इस बार इस चूचू चार्ल्स का कॉम्पिटिटर अपोनेंट है, ओह ये फायर गोलैम, भले ये दो हैं लेकिन ये दोनों अकेले इस चूचू चार्ल्स को बड़े ही आराम से तोड़ के मसल के रख सकते हैं। मैं ऐसा प्रेडिक्शन कर रहा हूं, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। चलो फिर मैच शुरू करते हैं। The battle continues. Fight! All right, मैंने फाइट शुरू कर दी है और मुझे लगता है इस बार चूचू चार्ल्स हारेगा। भैया ऐसा नहीं हो सकता, आपने पहले भी इसे अंडर एस्टिमेट किया था, इसे अंडर रेट किया था, लेकिन ये चूचू चार्ल्स जीत गया था और ये इस बार भी जीतेगा। और मुन्ना बिल्कुल चुप रहे, ये फायर गोलम का साइज देख, इसको जला के भस्म करके रख देंगे चूचू चार्ल्स को। अरे कुछ भी कहना काफी मुश्किल है ओकी एंड जैक, अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये क्या गले मिल रहे आपस में दूसरे को, वो जो भी हो लेकिन फायर गोलेम्स की हेल्थ बहुत कम हो चुकी है, काफी टक्कर की मैच है, चूचू चार्ल्स भी हार सकता है मेरे ख्याल से। ओ एक को हरा दिया, चूचू चार्ल्स हारते हारते जीत गया, आप देख सकते हो उसकी हेल्थ कितनी कम है, इन सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए, मैंने फिर से एक बार अंडर एस्टिमेट किया। ऑल राइट ये चौथी फाइट है और अब तो कॉम्पिटिटर बहुत ही मुश्किल होगा। अब ये कॉम्पिटिटर कौन होगा और चूचू चार्ल्स क्या इनके साथ लड़ने के लिए तैयार है, ये मैं जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोगों को कौन लगता है कौन हो सकता है ये ओपोनेंट, और ये है कार्निवरस, ये कार्निवरस प्लांट्स हैं जो खा जाते हैं बड़े ही आराम से, मुझे लगता नहीं ये चल पाएंगे, पर चूचू चार्ल्स इनके पास जाके लड़ेगा। चलो कोई बात नहीं देखते हैं कौन जीतता है। Fight! All right, मैंने फाइट शुरू कर दी है। भैया
फ्यूचर इस पर हारेगा। अरे नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो देखो दिख नहीं रहा, एक तो बड़े ही आराम से कुछ ही सेकंड में मर गया और इन दोनों को भी बड़े ही आराम से मार डालेगा। और ये क्या गले मिल रहे फिर से इसके? नहीं 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 नहीं, ओ ये तो कुछ ही सेकंड से मैच खत्म। शाबाश बेटा शाबाश, ये चौथा राउंड तो बड़े ही आराम से खत्म हो गया। ऑल राइट, अब है राउंड 5 और मुझे लगता है इस बार का जो कॉम्पिटिटर होगा वो डेफिनेटली इस बेबी चूचू चार्ल्स को हरा देगा। और अगर यहाँ पे चूचू चार्ल्स जीत जाता है तो सही में एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट होगा मेरे लिए। वेल, अगर आपको देखना है कॉम्पिटिटर कौन है तो रेट करो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटर है ओ ट्रैक्स, चेन सॉ कटर वाला ट्रैक्स। मुझे नहीं लगता ये इसके सामने खड़ा भी रह पाएगा, पर फिर भी मेरे को लगता है ये मैच होनी चाहिए। वन साइडेड मैच होगी, पर चलो कोई बात नहीं, मैं शुरू कर रहा हूँ। The battle continues. Fight! और शुरू कर दी। ओके, ये ट्रैक्स ने आते ही अपनी चेन सॉ कटर से उसको उड़ा के दूर फेंक रहा है। मतलब नहीं नहीं, बड़े ही बेरहमी से हराएगा ये ट्रैक्स। भैया आप क्यों ऐसा कह रहे हो? आपको दिख नहीं रहा कि चूचू चार्ल्स ने कितनी अच्छी फाइट कर रहा है? और लुंडा तो उसका साइज है ये ट्रैक्स के सामने ना, ये चूचू चार्ल्स एकदम चीटी लग रहा है। इसे ऐसे ही अपने पैरों के नीचे लाके मसला डालेगा, तो बस चुप होकर देखते जा। अरे हाँ हाँ, जैक करोगी? वेल, मुझे ये जैक की बात सही लग रही है, क्योंकि ये ट्रैक्स चेन सॉ कटर वाला काफी कितना एकदम बहुत ही हॉरिबल तो कहूंगा नहीं, मतलब बहुत ही भयानक दिखाया है। और इसने अपने पैरों के नीचे ऑलमोस्ट कुचल ही दिया है। ओह गॉड, उसके दांतों से भी वो काट रहा है। चूचू चार्ल्स भी अच्छी फाइट तो दे रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। भैया अब देखना, मेरी बात मानना, ये मैच ना चूचू चार्ल्स ही जीतेगा, आप मुझसे लिखवा लो भैया। अरे हाँ, दोनों के बीच में काफी अच्छी कांटे की टक्कर है, मतलब दोनों की हेल्थ आप देख सकते हो इक्वली कम हो रही है, पर फिर भी मुझे पता नहीं कौन जीतेगा कौन जीतेगा। ओए मुन्ना, तू देखना ये ट्रैक्स मैच जीतेगा, ट्रैक्स चेन सॉ कटर से इसे काट डालेगा, तू देखना भैया। अरे हाँ जैक प्लीज, मुझे लग रहा है चूचू चार्ल्स हारेगा। नहीं 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 नहीं, ट्रैक्स की दोनों की इक्वली हेल्थ, ट्रैक्स की थोड़ी कम, मुझे कुछ कुछ कम। चूचू चार्ल्स मतलब हार ही गया था, और कुछ मतलब पता नहीं चमत्कार हुआ और ट्रैक्स हार गया। सही में बहुत ही तगड़ी फाइट दी। सही में यार हैट्स ऑफ इस चूचू चार्ल्स के लिए, आप देख सकते हो इसको कैसे रेस्ट इन पीसेस। ऑल राइट, ये है फाइनल राउंड 6। अब तक तो चीज बेबी चूचू चार्ल्स ने बहुत ही बढ़िया मुंह तोड़ फाइट दी है, हर एक अपने कॉम्पिटिटर को, अपने ओपोनेंट को, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो कितना भी हार्ड हो। और अब ये आखिरी फाइट है, अगर ये वाली फाइट चूचू चार्ल्स जीत जाता है तो मैं उसे इनाम में एक वेपन अपग्रेड दूंगा। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि इसका ओपोनेंट कौन है। ऑल राइट, ओ बाप रे, ये है कर्स थॉमस। इसकी शक्ल देख के तो लग रहा है काफी मासूम है, कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन मुझे इसकी शक्ल पे जाना चाहिए नहीं। ओ इसकी ट्रेन का साइज तो देखो कितना बड़ा है, मुझे लगता नहीं ये फेयर फाइट है। मैं इसके पीछे जा रहा हूँ और आप देख सकते हो मैं इसके ट्रेन के डब्बों के ऊपर चढ़ भी पा रहा हूँ। वेल, मुझे इसके साइज के ऊपर जाना चाहिए नहीं, हो सकता है कर्स थॉमस कुछ ही सेकंड्स में हार जाए और ये वाली फाइट आखिरी है। तो फिर चलो अब हम शुरू करते हैं। This is the last round. Fight! All right, मैंने मैच शुरू कर दी है और ये कर्स थॉमस ने आते रॉकेट की स्पीड में उसको उड़ा के फेंक दिया। और ओ लास्ट मैच फेयर फाइट नहीं थी, बच्चे की जान ले ली और ये कर्स थॉमस जीत का जश्न मना रहा है। ओके, मैंने इस बेबी चूचू चार्ल्स को काफी अंडर एस्टिमेट किया, अंडर रेट किया, लेकिन इसने मुझे गलत साबित करके दिखाया। इसने अपने हर एक एक दुश्मन को मुंह तोड़ तगड़ी फाइट दी, उन्हें धूल चटाई, बेरहमी से हरा दिया।
भले ही लास्ट में कर्स थॉमस के सामने हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो एक फेयर फाइट शायद से नहीं थी। आपको क्या लगता है आप नीचे मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, और अगर आपको इसी तरह की और गेम देखनी है तो आप सस्ते चूचू चार्ल्स मोबाइल गेम्स यहाँ जाके इसमें क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।